हेलो एवरीवन, मैं हूँ रक्षंदा और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं अंडे और आलू के टेस्टी कबाब। ईद है और हर कोई ईद पे कुछ स्पेशल बनाना चाहता है, तो इस साल आप मेरी ये वीडियो देख के ये अंडे और आलू के टेस्टी कबाब घर पे बनाएं। ये कबाब बनाने में बिल्कुल आसान है और खाने में एकदम लाजवाब। तो आप मेरी ये वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल में चार अंडे फोड़कर ले लिए हैं। अब आप एक पैन गरम करके उसके ऊपर एक चम्मच तेल डाल दें। तेल में आप 1/4 चम्मच नमक डाल दें, साथ ही में 1/4 चम्मच रेड चिली पाउडर डाल दें और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल के मिला लें। तेल अच्छे से गरम होते ही आप उसमें अंडे का मिक्सचर डाल दें। हमें अंडे को पैन में डालकर उसे चलाते रहना है और उसे इसी तरह से फ्राई कर लेना है। करीबन 2-3 मिनट के बाद अंडे का मिक्सचर इस तरह से फ्राई होना शुरू कर देगा। हमें इसे चलाते रहना है और इसी तरह से इसके बारीक बारीक टुकड़े कर देने हैं। 4-5 मिनट के बाद अंडा अच्छे से फ्राई हो जाएगा। आप गैस बंद करके इसे निकाल लें। नेक्स्ट हम दो उबले हुए आलू ले लेंगे। आलू उबालते समय मैंने एक चम्मच नमक डाल दिया था। अब हमें आलूओं को हाथ से मैश कर लेना है। इस तरह से आप आलू को एकदम बारीक मैश कर लें। अब हमें आलू में फ्राई किए हुए अंडे ऐड कर देने हैं। आलू और अंडे को हाथ से गूंद लें, जैसे हम आटा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे गूंद लेना है। मैंने आलू को एकदम बारीक गूंद लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। अब हमें ऐड करना है 1/4 चम्मच नमक। याद रखिए, हमने अंडे में और आलू में दोनों में नमक डाला है। साथ ही में 1/4 चम्मच हल्दी की पाउडर, 1/2 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, 1/4 चम्मच रेड चिली पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला। मसालों को आलू और अंडे के मिक्सचर में अच्छे से मिला लें। अब हमें अंडे और आलू के मिक्सचर से कबाब बना लेने हैं। अब आप अपने हाथों से ही छोटे छोटे गोल कबाब बना लें, बिल्कुल जैसे लड्डू बनाते हैं वैसे बनाकर आप बीच में से दबाएं और साइड्स को टैप कर लें और ये कबाब बन जाते हैं। इसी प्रोसेस के साथ यहाँ पे मैंने सारे कबाब बना लिए हैं। मैंने ज़्यादा छोटे कबाब नहीं बनाए हैं, मैंने ये मीडियम साइज़ के 6 कबाब बनाए हैं। अब हम कबाब को अंडे में और सूजी में कोट कर लेंगे। इसलिए आप एक बाउल में एक अंडा फोड़ कर उसे फेंट लें और फिर कबाब को उसमें कोट कर लें। साथ ही में आप कबाब को सूजी में भी कोट कर लें। इस प्रोसेस की वजह से कबाब बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। मैंने सभी कबाब को अंडे और सूजी में कोट कर लिया है। और अब ये कबाब कोट होकर फ्राई होने के लिए तैयार है। आप अंडे फ्राई किए हुए पैन में ही थोड़ा सा तेल गरम कर लें। आज हम कबाब को शैलो फ्राई करने वाले हैं, तो जैसे ही तेल गरम हो जाए आप उसमें एक एक करके कबाब को डाल दें। चार मिनट के बाद जब कबाब एक साइड से फ्राई हो जाए तो हम उसे पलट देंगे। आप इन कबाब को 8-10 मिनट के लिए सभी तरफ से फ्राई कर लें। करीबन 10-12 मिनट के बाद हमारे ये कबाब दोनों तरफ से फ्राई होके तैयार हैं। आप गैस बंद करके इन्हें एक सर्विंग प्लेट में निकाल लें। ये गर्मा गर्म कबाब मैंने एक प्लेट में निकाल लिए हैं। अब आप देखिए और सुनिए कि ये कबाब कितने क्रिस्पी बने हैं। आप ये
आलू और अंडे के टेस्टी और क्रिस्पी कबाब इस ईद पे घर पे जरूर बनाएं और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।